महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। लखनऊ के एक गरीब भक्त के बरेली में रहने वाले संबंधी ने एक बाबा से धन प्राप्ति हेतु याचना कर डाली। बाबा ने भी अपनी मौज में आकर उसे एक मंत्र दे दिया। वह मंत्र काली शक्ति को प्रकट करने वाला था और कहा कि 40 दिन इसे जपना और तब एक आकृति प्रकट होगी जो तुम्हारा मनोरथ पूरा कर देगी। पर इन 40 दिनों के जप के मध्य उस व्यक्ति का मन पलट गया और जब आकृति सचमुच प्रकट हो गई तो उसने ईश्वर दर्शन की याचना कर डाली। इस पर वह निम्न स्तर की आकृति रुष्ट हो गई और उसे तरह तरह से सताने लगी। उसका खाना पीना, सोना, चैन से कार्य करना सब हराम हो गया। यहाँ तक कि सोते सोते उसकी चारपाई भी पलट जाती थी। वह व्यक्ति दिन पर दिन सूखता चला गया। वह बाबा के पास गया जिसने वह मंत्र दिया था। उसके लिए कुछ न कर सका। टोने टोटके आदि भी सब बेकार हो गए। उस काली शक्ति के आगे उल्टे वह और भी अधिक उग्र उठी। तब किसी ने उसे बाबा नीब करोरी जी के पास जाकर फरियाद करने को कहा। मरता क्या न करता वह भक्त याचक बाबा जी को खोजते खोजते आ ही गया उनके पास और अपना दुखड़ा गाकर रोने लगा बुरी तरह और बाबा जी से मुक्ति की प्रार्थना करने लगा। बाबा जी भला अपने को कैसे प्रकट होने देते सबके समक्ष। बाबा जी बोले, तुमसे झूठ कह दिया है किसी ने, हम कुछ नहीं जानते। हाँ, यह कम्बल लो, हमको एक साधु ने दिया है, तुम इसे ओढ़े रहो, शायद तुम्हारी इससे तकलीफ दूर हो जाएगी। और ऐसा कह अपना कम्बल उतार कर बाबा जी ने उसे दे दिया। बस क्या था, कम्बल उड़ते ही वह काली शक्ति गायब हो गई और उसको ऐसी शांति मिल गई मानो मिलो जेठ की दोपहरी में तपती बालू के ऊपर नंगे पांव चलने के बाद पीपल की नम छांव हासिल हो गई हो। पर बाद में जब उस व्यक्ति को पता चला कि यह कम्बल तो बाबा जी महाराज जी का है तो वह तन मन से बाबा जी का भक्त हो गया और जब तब आकर उनके चरणों में वह कम्बल रख कर अपने भाव में कम्बल की शक्ति को पुनः जागरूक कर लेता। बाबा जी द्वारा अपनी अलौकिकतापूर्ण लीलाओं तथा अपनी शक्ति के द्वारा अपने भक्तों आश्रितों को असाध्य रोग व्याधियों से मुक्त करना उनकी गजेंद्र मोक्ष लीलाओं का ही एक पक्ष था। ऐसी लीलाओं का कोई पारावार न था। कभी भी कहीं भी पुकारे जाने पर बिना पुकारे गए भी बाबा जी महाराज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने इन भक्त आश्रितों को कठिनतम रोग व्यक्तियों से उबारते रहते थे। आज भी तो यही लीलाएं कर रहे हैं जिनमें से कुछ का विवरण यत्र तत्र यहाँ तथा तृतीय सर्ग में सुलभ है। इन पर मनन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि ये लीलाएं भी उनकी दया का ही प्रतिबिंब हैं और यही दया ही उनकी इन मोक्ष लीलाओं का मुख्य आधार है जिसके लिए जैसा पूर्व में कहा जा चुका है इन गजेंद्रों को किसी भी शर्त या अनुबंध में बंधना आवश्यक न था। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।